2018 की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो चुकी है दोस्तों। आपको पता होगा, सभी ने महसूस भी किया होगा, 2 अप्रैल को जातिगत आधार पर SC ST एक्ट में कुछ बदलाव के लिए हमारे देश में हर शहर में दंगे पर दंगे हुए। 2013 में भी ऐसा कुछ हुआ, 1989 के चुनावों से पहले भी कुछ हुआ। जाति धर्म इसके आधार पर हम बढ़ते जा रहे हैं। जिस भारत देश के नाम पर दुनिया को गर्व होता है, हमें भी गर्व होता है। हम उस राष्ट्र के नागरिक हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूलते हुए इस प्रकार के कृत्य करते हैं कि खुद पर ही शर्म आने लगती है। पहले हिंदू मुस्लिम दंगे, अब SC ST एक्ट और जनरल के बीच दंगे। कोई अपनी जाति के आधार पर रैली निकालता है तो कोई अपनी जाति के आधार पर, कोई अपने आप को ऊंचा, कोई अपने आप को नीचा। क्या आप ही बताइए, इस दुनिया को बनाने वाले ईश्वर ने किसी को ऊंचा नीचा या हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई किसी धर्म में बांटा था? मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको वो समझा सकूं जो आप देखते तो हैं लेकिन उसका एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर पाते। दोस्तों, सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा। यदि राजनीतिक पार्टियों या राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको ज़रूर लगेगा, लेकिन सत्य यही है कि पिछले हमारे देश के आज़ादी के समय से लेकर अब तक होने वाले लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव की अगर स्थिति देखें तो लोकसभा चुनाव आने से 1 या 1.5 साल पहले से इस प्रकार की जातिगत गतिविधियाँ या कहीं ना कहीं दंगे या बम विस्फोट जैसी खबरें हमें सुनने को बहुत मिलती हैं, या राज्यसभा चुनाव से पहले सुनने को मिलती हैं। और 2018 ये साल राज्यसभा चुनाव का है, यानी यहाँ पर CM पद के लिए दावेदारी होने वाली है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना ही किसी का विरोधी हूँ। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने बुद्धि विवेक से इस चीज़ को समझें और निर्णय लें। 2019 में भी चुनाव होने वाले, 2013 में भी चुनाव थे, 2014 में भी चुनाव थे, उस समय की भी गतिविधियां आप देख लें। तो आइए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं, जिनमें से पहले मैं वो लिस्ट देना चाहूंगा जिन समय पर लोकसभा गठित हुई, उनकी लिस्ट देख लें। आइए देखते हैं। दोस्तों, जहाँ जहाँ मैंने राज्यसभा शब्द का इस्तेमाल किया है वहाँ विधानसभा से अर्थ समझें, इसके लिए गलत शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों, आपने ये लोकसभा चुनाव की लिस्ट देख ली जिसमें लोकसभा का चुनाव हुआ था और PM पद के दावेदार खड़े हुए थे, जीत हुई थी। अब जरा एक बार इस तरफ नज़र भी घुमा लें। ये नज़र है हमारे देश में होने वाले जाति के आधार पर होने वाले दंगों की। जरा गौर से इनको पढ़ें और एनालिसिस करें कि क्या हम सरकार को चुन रहे हैं या फिर सरकार अपने खुद को वोट देने वाले लोगों को चुन रही है या फिर हमें बहकाकर वोट ले रही है, ना कि हम अपना राजनेता चुन रहे हैं, वो अपने वोटरों को हम में से चुन रही है। आज इतने विकसित हो गए हम, इतने पढ़े लिखे हो गए हम, क्या खाक पढ़े लिखे हो गए हैं? डिग्रियां प्राप्त करने से कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। शिक्षा का अर्थ हमें मौलिक कर्तव्यों और अपने मौलिक धर्मों यानी कि अपने कर्मों के आधार पर खुद को विवेकशील और इस राष्ट्र का सम्मान करने लायक बनाना होता है। अपने से बड़ों, अपने बराबर और अपने छोटों से सम्मान और प्रेम की भावना प्राप्त करना होता है एवं देना होता है। किसी से दंगे करके या लड़ाई झगड़े करके कभी कोई सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी जाति को ऊंचा दिखाकर, दूसरे की जाति को नीचा दिखाकर कभी शांति नहीं आ सकती। क्या आज़ादी से पहले यदि लोग यही सोचते कि नहीं, आप सवर्ण हैं, मैं SC ST से हूँ या मैं किसी अन्य जात से हूँ, मैं एक साथ मिल के इस देश की आज़ादी के लिए कार्य नहीं करूँगा, तो क्या ये आज़ादी आज हमारे हाथ लगती?
अंग्रेजों ने भी दोस्तों हमारे ऊपर फूट डालो शासन करो की नीति जो आपने बहुत पढ़ी होगी लागू की और उससे हमें बांटते रहे और बांट बांट कर 200 साल तक राज्य किया। इसी प्रकार मुगलों ने और इसी प्रकार कई सभ्यताओं ने हमारे देश पर राज्य किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमें जाति के और धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है। लेकिन हकीकत यही है कि हमारे धर्म हमारी बहुत बड़ी शक्ति हैं। गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या किसी भी धर्म ग्रंथ को ले लें, वह सिर्फ और सिर्फ कर्म के आधार पर अपने कर्मों और मानवता को ऊंचा दिखाने का सिर्फ संदेश देती है। मानवता का संदेश देती है। मानवता का संदेश एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव को लाना है, ना कि एक दूसरे के प्रति नफरत को पैदा करना। लेकिन हम किस नज़रिए से देख रहे हैं? नज़र का इलाज है दोस्तों, लेकिन नज़रिए को बदलना बड़ा मुश्किल है। नज़रिए को बदलना है तो खुद को सोचना पड़ेगा कि हम किस कुएं में गिर रहे हैं, किस दलदल में गिर रहे हैं। ये गंदी राजनीति को हम पनपा रहे हैं या वो पनप रहे हैं? गलती उन राजनेताओं की नहीं है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना कर्म देखते हुए अपने धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। आप शिक्षक हैं तो शिक्षा दीजिए, आप पंडित हैं तो पांडित्व की बात कीजिए, शिक्षा दें, ज्ञान दें। क्षत्रिय हैं, रक्षा कीजिए। सेना के जवान आज सरहद पर खड़े हुए हैं, अगर वो आपस में नफरत करके एक दूसरे को ही मारने लगे तो होगी जीत? सामने वाला देश हमें काट पीट कर आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार की राजनीति से बचें और अपने आप को सक्षम बनाएं। इस प्रकार की राजनीति में पढ़ के राजनीतिक बातों को लेके कुछ नहीं चलना। आज मैं देखता हूँ तो हर गलियारे में सुबह होते ही राजनीति से संबंधित बातें चलती हैं। क्या इसी प्रकार के देश के निर्माण के लिए हमने अपने राजनेताओं को चुना या फिर हम अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं? मेरा वीडियो कुछ लोगों को सुनने में बड़ा बुरा लगेगा, और हाँ, आज मैंने अपने वीडियो में सब्सक्राइब का बटन नहीं डाला है। ये वीडियो में सब्सक्रिप्शन है, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया है। ये वीडियो मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बना है, ताकि मैं हर भारतवासी को ये बता सकूं कि हम में विकास छुपा हुआ है। हमारा विकास कोई नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद का विकास ना करें, और हमारा खुद का विकास हमारी मानसिक सोच को विकसित करने के आधार पर ही होगा। बात अच्छी लगे तो और लोगों तक शेयर करना, अन्यथा इस वीडियो को भूल कर अच्छी मूवी या अच्छा डायलॉग मार कर कमेंट लिख कर भूल जाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को अच्छा